Assalamu alaikum, beautiful people. How are you doing today? My name is Muhammad Ehraz and welcome back to Engineer Mo Vlogs. आज का व्लॉग बहुत ही इंटरेस्टिंग रहने वाला है और बहुत ही नॉस्टैल्जिक मेरे लिए रहने वाला है, क्योंकि मैं आप लोगों को लेके आया हूँ द यूनिवर्सिटी ऑफ कैलगरी में आपको यूनिवर्सिटी दिखाने, जहाँ से मैंने पढ़ाई की है। मैंने अपनी मास्टर्स डिग्री कंप्लीट की है। पहले तो मैंने कार पार्क कर दी है पार्किंग लॉट में। आज है संडे का दिन। तापमान विच इज़ टेम्परेचर इज़ ओनली 7 degrees Celsius। ये धूप से आप धोखा मत खाएं। ये कुछ भी मतलब धूप से आपको लग रहा होगा ना कि बहुत मतलब मज़ेदार सा वेदर होगा, ठंड 7 degrees Celsius है, विच इज़ वेरी सुहाना मौसम। नाउ आई विल पार्क द कार विच आई हैव ऑलरेडी डन इट। और अभी हम लोग $5 per hour का पेमेंट के लिए हम लोग को यूनिवर्सिटी को देना पड़ेगा, क्योंकि ये आज तो संडे है, ये पार्किंग खाली है, बट स्टिल $5 per hour का यहाँ पे रेट है। चलते हैं, पहले पेमेंट करते हैं, उसके बाद फिर लेट्स गो टू द यूनिवर्सिटी। सारी फैकल्टीज़ मैं आपको दिखाऊंगा एंड लेट्स गो। गाइज आप विश्वास नहीं करेंगे, मुझे मेरा नंबर प्लेट याद ही नहीं है कि नंबर प्लेट है क्या। चलते हैं, देखते हैं नंबर प्लेट क्या है पंच करने के लिए। ओके, सो गाइज हमने पार्किंग टिकट पे कर दी है और अब हम चलेंगे यूनिवर्सिटी। पहले तो मैंने गया वो मशीन में ट्राई किया मैंने कि मशीन से पे हो जाए, विच वॉज नॉट वर्किंग, सो मैंने ऑनलाइन पे कर दिए, विच इज़ ओनली $5 per hour। एक घंटा बहुत रहेगा आप लोगों को यूनिवर्सिटी का टूर दिखाने के लिए। मेरे एफर्ट्स को प्लीज़ गाइस अप्रिशिएट करें, लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहें ताकि हम लोग ग्रो करें एज अ चैनल एंड इंजीनियर मो व्लॉग्स ग्रो करें, लोग रिकग्नाइज करें, राइट। सो गाइज सबसे पहले तो मैं आपको यूनिवर्सिटी का ओवरव्यू बताता हूँ कि ये यूनिवर्सिटी है कहाँ और ये यूनिवर्सिटी में क्या क्या सारी चीज़ें पढ़ाते हैं। ये यूनिवर्सिटी कैनेडा की वन ऑफ द टॉप 5 यूनिवर्सिटीज़ है रिसर्च बेस्ड में, वन ऑफ द टॉप 7 ओवरऑल में आती है। और ये यूनिवर्सिटी जो है ये कैनेडा की अल्बर्टा प्रोविंस की कैलगरी शहर में मौजूद है। ये यूनिवर्सिटी पहले कुछ 100 साल पहले यूनिवर्सिटी ऑफ अल्बर्टा के साथ बनी थी, यूनिवर्सिटी ऑफ अल्बर्टा की सेकंड कैंपस, लेकिन सन 2001 में इसे यूनिवर्सिटी ऑफ कैलगरी खुद एक ऑटोनोमस यूनिवर्सिटी घोषित कर दिया गया था। सो ये अब यूनिवर्सिटी ऑफ कैलगरी एक खुद की यूनिवर्सिटी है जो कि किसी से एफिलेटेड नहीं है, ये खुद की यूनिवर्सिटी है। सो गाइज यूनिवर्सिटी ऑफ कैलगरी है ना, उसमें बहुत सारे फैकल्टी ऑफ स्कूल्स है, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल सबसे पहला फैकल्टी ऑफ स्कूल, जैसे शुलिच स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग जिससे मैंने पढ़ाई की है, वहाँ पे सिर्फ इंजीनियरिंग की पढ़ाई होती है, ठीक है। तो पहला हो गया शुलिच स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग। दूसरा होता है कमिन स्कूल ऑफ मेडिसिन, जहाँ पे लोग डॉक्टर बनने जाते हैं। और तीसरा है JD लॉ, सो वहाँ पे लोग वकील बनने जाते हैं जो कि लॉयर्स होते हैं, ठीक है। फोर्थ जो होती है वो बेसिकली वर्कलैंड स्कूल ऑफ एजुकेशन, जहाँ पे लोग एजुकेशन पढ़ते हैं, कॉमर्स पढ़ते हैं, टीचर बनने के लिए जाते हैं। फिफ्थ जो कि सबसे महंगी है वो है हेस्केन स्कूल ऑफ बिजनेस, हेस्केन ऑफ स्कूल ऑफ बिजनेस, जहाँ पे लोग MBA करने जाते हैं। तो ये हो गई स्कूल की, यूनिवर्सिटी ऑफ कैलगरी की मतलब पूरी ब्रेकडाउन की कौन कौन सी स्कूल्स है यहाँ पर। और यहाँ पर और भी बहुत सारे डिपार्टमेंट हैं, जैसे डिपार्टमेंट ऑफ काइनोसोलॉजी और डिपार्टमेंट, बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं। तो डिपार्टमेंट फैकल्टी ऑफ साइंसेस भी है जो कि मुझे याद तक नहीं है। तो ये वन ऑफ दी टॉप स्कूल्स है पूरे कैनेडा में, वन ऑफ दी फाइनेस्ट स्कूल इन कैनेडा एंड ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड। इसकी रैंक आती है 171, विच इज़ बेटर देन, यू नो, विच इज़ क्लोज टू IIT दिल्ली। एंड ये रिसर्च में बहुत ही बेहतरीन यूनिवर्सिटी है कैनेडा में। तो
गाइस आज हम लोग सबसे पहले यूनिवर्सिटी की जो शुरुआत है वो हम लोग करेंगे वर्कलैंड स्कूल ऑफ एजुकेशन से। सो वर्कलैंड स्कूल ऑफ एजुकेशन, जैसे मैंने आपको बताया कि ये यहाँ पे लोग कॉमर्स या टीचर बनने के लिए आते हैं, जो स्कूल ऑफ एजुकेशन मतलब टीचर बनते हैं यहाँ पे लोग आके। सो वो वाली चीज़ अंदर पढ़ाई होती है वर्कलैंड स्कूल ऑफ एजुकेशन में। अंदर चलते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर दिखाता हूँ मैं आपको। मैं थोड़ा थोड़ा ओवरव्यू देने की कोशिश करूँगा कि ये ना अंदर से किस तरह दिखता है यूनिवर्सिटी का कैंपस, और फिर मैं आपको अंदर ही अंदर मैं आपको ट्रांसफ़र करके सारी फैकल्टीज़ दिखाऊँगा, ठीक है। वर्कलैंड स्कूल ऑफ एजुकेशन में मैं बहुत ही कम ही आया उस तरफ, मतलब बहुत रेयरली, कुछ 4 या 5 बार ही आया हूँगा इस एरिया में। बट यूनिवर्सिटी ऑफ कैलगरी की एक खास बात मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे ना एक बार आप कोई भी बिल्डिंग में एंटर कर जाते हैं, फॉर एग्जांपल मैं ये बिल्डिंग में एंटर कर गया, अब मुझे बाहर जाने की ज़रूरत नहीं, मैं अंदर ही अंदर कनेक्टेड है सारी की सारी कैंपस, तो आपको बाहर निकलने की ज़रूरत ही नहीं होती है। तो ठंड है ना यहाँ पे -35-40 भी जाती है, तो ठंड के वक्त क्या होता है ना, ये बहुत ही फ़ायदेमंद होता है कि एक बार कोई भी बिल्डिंग में घुस जाओ, फिर अंदर ही अंदर आप वॉक करके चले जा सकते हो, तो वो बहुत ही आसान रहता है हमारे लिए। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है गाइस। एग्जाम्पल देता हूँ जो अभी मैं आपको बता रहा था कि सारी कनेक्टेड है, ये बिल्डिंग देख रहे हैं आप और वो बिल्डिंग देख रहे हैं आप, वो दोनों ये फ्लाईओवर नहीं ये एक छोटी सी ब्रिज है, वो आपस में कनेक्टेड है। तो अगर आपको यहाँ से वहाँ जानी है तो यू कैन यूज़ दिस कन्वेयर टाइप का जो भी थिंगी है, ब्रिज टाइप का, एंड यू कैन यूज़ इट, एंड इट्स वेरी हेल्पफुल इन विंटर एज आई टोल्ड यू अर्लियर। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हैस्केन ऑफ स्कूल ऑफ बिजनेस वन ऑफ द टॉप यूनिवर्सिटीज़, ना कि सिर्फ कैनेडा में, पूरे वर्ल्ड में वन ऑफ द बेस्ट स्कूल इन बिजनेस भी माना जाता है। तो ये जो यूनिवर्सिटी जो पीछे में आपको ये जो दिख रही है, ये हैस्केन स्कूल ऑफ बिजनेस है। हम लोग चलते हैं हैस्केन स्कूल ऑफ बिजनेस। कैनेडा में बहुत महंगी यूनिवर्सिटी है, यहाँ की फीस, MBA की फीस 1 करोड़ रुपये है। तो यहाँ से जो पढ़ाई करते हैं वो सीधा CEO बनते हैं या फिर अलग ही लेवल जाते हैं। सो आइए अंदर देखते हैं हैस्केन स्कूल ऑफ बिजनेस में होता क्या है अंदर। सो गाइस ये रहे रिचर्ड हैस्केन साहब, इन्हीं के वजह से ये यूनिवर्सिटी की ये पार्ट बनी है। ये वन ऑफ द मोस्ट लाइक बिगेस्ट डोनेटर है हैस्केन स्कूल ऑफ बिजनेस के, और इनके डोनेशन के वजह से ये यहाँ पे हैस्केन स्कूल ऑफ बिजनेस की एस्टैब्लिशमेंट हुई है। ये रही कंप्यूटर लैब, आप देख रहे हैं ये भी सिर्फ बिजनेस की कंप्यूटर लैब है, ये वन ऑफ द सबसे छोटी कंप्यूटर लैब है यूनिवर्सिटी में, और यहाँ 100 कंप्यूटर रखे हुए हैं। मतलब हैस्केन ऑफ स्कूल ऑफ बिजनेस में मतलब बहुत ही ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होती है, तो आप देख रहे हैं यहाँ पे प्रिंट निकालने की भी फैसिलिटीज़ है। तो आप देख सकते हैं ये कंप्यूटर है, यहाँ पे आप अपना ID से लॉग इन कर सकते हैं, और पीछे यहाँ पे 2 प्रिंटर्स रखे हैं, आप यहाँ से प्रिंट भी कर सकते हैं। और ये सिर्फ हैस्केन की बात कर रहा हूँ, हर एक फैकल्टी की खुद की अपनी फैसिलिटीज़ है। गाइस एक और बेनिफिट ये होती है कि हर फैकल्टीज़ में एक छोटे छोटे कॉन्फ्रेंस रूम रहते हैं स्टूडेंट्स के लिए, प्रोजेक्ट डिस्कशन के लिए। सो फॉर एग्जांपल मैं कोई प्रोजेक्ट में काम कर रहा हूँ, और ये पीछे आपको दिख रही है ना छोटी सी रूम में, यहाँ पे अपने ग्रुप के साथ आके आप यहाँ पे डिस्कशन कर सकते हैं अपनी प्रोजेक्ट्स की, खुद की मीटिंग्स कर सकते हैं। और ये बहुत ही वन ऑफ द बेस्ट फैसिलिटीज़ मैं मानता हूँ, क्योंकि जब मैं पढ़ रहा था तो मुझे मेरे प्रोजेक्ट्स के डिस्कशन के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद साबित हुआ था ये। इसे बुक करना पड़ता है पहले से, ये देख रहे हैं आप ब्लू कलर की लाइट है, अपनी ID कार्ड से आप पंच करके पहले बुक करके फिर आप यूज़ कर सकते हैं। फ्री होती है, कुछ भी नहीं है, सारी की सारी फ्री होती है, बट बुकिंग इज़ अ मस्ट, सारी चीज़ों में बुकिंग होती है।
तो और ये देख रहे हैं आप सारे कंट्रीज़ के फ्लैग्स लगे हुए हैं, तो देख सकते हैं ये टर्की का है, वो ब्रिटेन का है, यूएस का है, और हमारा भारत का फ्लैग है ये, हमारा भारत महान तिरंगा फ्लैग। हमें हमेशा इस तरह पढ़ाई करनी चाहिए कि हमारा झंडा अब सबसे ऊपर लहराए, अल्हम्दुलिल्लाह। गाइस मुझे आज भी याद है जब मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ता था ना, तो मैं कभी बॉटल नहीं लेके जाता था पानी पीने के लिए, और मैं पानी कैसे पीता था मैं आपको दिखाता हूँ। सो इस कदर मैं पानी पिया करता था। मेरी मम्मी काफ़ी नाराज़ होती थी जब भी मैं इस तरह पीता था, बट बॉटल कैरी कौन करेगा यार। सो गाइज ये जो बुल है ना, ये यूनिवर्सिटी का सिंबल है। सिंबल का मतलब ये हमारी यूनिवर्सिटी के लोगों में आता है, और इसका जो पहचान है ना, इसका मतलब इसलिए ये है कि हमें इसके जैसा स्ट्रांग बनना चाहिए अपने ज़िंदगी में। ये मतलब मोटो है बेसिकली, और लीडर बनना चाहिए अपने लाइफ में, जो कि ये भाई साहब हमें सिखाते हैं, बुल साहब। हैस्केन स्कूल ऑफ बिजनेस की खासियत ये है कि ये हर साल सिर्फ और सिर्फ 120 स्टूडेंट्स को ही लेती है अपने कोर्स में। तो ये जो यूनिवर्सिटी है ना, ये बहुत ही चूजी है अपनी चीज़ों को लेके कि कौन कौन आते हैं, और ये हर बंदों का फ़ोटो चिपका हुआ है यहाँ पे, आप देख सकते हैं हर बैच का। फॉर एग्जांपल आप देख सकते हैं 2002 बैच के ये लोग हैं, सिर्फ 120 लोग सिर्फ 120 लोग हर साल आते हैं यहाँ पढ़ाई करने के लिए इतनी बड़ी कैंपस में। अब गाइज हम लोग चलते हैं दूसरी फैकल्टी की ओर, जो हम लोग की पता नहीं कौन सी आने वाली है, बट इट्स इंटरकनेक्टेड। लेट्स सी कि कौन सी फैकल्टी अभी आती है। गाइस पॉपकॉर्न शॉपकॉर्न ले आओ, क्योंकि वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है। अभी तक मैंने आपको यूनिवर्सिटी का 10% तक नहीं दिखाया। मैं कोशिश करूंगा कि बहुत ही कॉम्पैक्ट करके वीडियो में दिखाऊं, बट फिर भी यूनिवर्सिटी इतनी बड़ी है कि मैं आपको 5 मिनट में पूरी यूनिवर्सिटी नहीं घुमा सकता। सो बुरी खबर ये है गाइस कि बायोलॉजिकल साइंसेज की बिल्डिंग बंद है, जो कि यहाँ से कनेक्टेड है, बट अच्छी खबर ये है कि मेरी साइंस थिएटर जहाँ पर मैंने पढ़ाई की है वो बिल्डिंग ओपन है, और मैं ऑलरेडी वहीं खड़ा हूँ। आपको मैं दिखाता हूँ कि मैंने अपनी ज़िंदगी की सबसे टफेस्ट कोर्स पावर सिस्टम एनालिसिस एडवांस्ड कहाँ से पढ़ी। सो ये रही वो क्लासरूम, वो खौफनाक क्लासरूम जहाँ पे मैंने पढ़ाई की है, बट मुझे बड़े नॉस्टैल्जिक फील होता है। अंदर देख सकते हैं आप, मैं दिखाता हूँ आपको अंदर। ये देख रहे हैं आप, ये एक पूरा थिएटर टाइप का है जो कि अंदर पूरा बंद है, मैं लाइट ऑन नहीं कर सकता, बट यहाँ से प्रोफेसर खड़े होके पूरी क्लास को पढ़ाते थे। हम सिर्फ इतनी बड़े हॉल में सिर्फ 30 स्टूडेंट पढ़ते थे, इतनी मुश्किल कोर्स थी वो। यार जब भी मैं यूनिवर्सिटी वापस आता हूँ ना, तो सबसे पहले तो मैं अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा करता हूँ कि अल्लाह ने मुझे ये मौका दिया कि मैं यहाँ पढ़ाई करूँ, और मैं अपने माँ बाप का तहे दिल से शुक्रिया करता हूँ कि उन्होंने अपने सेविंग्स लगा के अपनी मेहनत से मुझे यहाँ तक भेजा। दुनिया की वन ऑफ द फाइनेस्ट स्कूल में पढ़ाई की मैंने, ग्रेजुएट किया वो भी शान से अल्हम्दुलिल्लाह, एक डिस्टिंक्शन डिग्री उठाई और अल्हम्दुलिल्लाह जॉब किया। बट यही है बस ज़िंदगी का निज़ाम है कि मेहनत करना ही है, माँ बाप से मोहब्बत करना, क्योंकि वो अपने आप को ख़त्म करके आपको बनाते हैं। सो जब भी मैं यहाँ आता हूँ मुझे नॉस्टैल्जिक फील होता है, क्योंकि ये वो जगह है जहाँ से मेरी कामयाबी का एक और सीढ़ी मैंने चढ़ी थी। सो Always grateful to Allah and my parents. Thank you so much अगर आप लोग मेरी videos देख रहे हैं। So guys, साइंस थिएटर की जो बिल्डिंग है ना, यहाँ पे सारे लॉकर शॉकर पड़े हुए हैं, आप देख सकते हैं बहुत सारे। यहाँ पे आप लॉकर खरीद सकते हैं, और आप अपने मतलब
यूज़ कर सकते हैं अपनी डेली लाइफ के लिए, कि आपको सामान अगर इधर ही रखना है डंप कर सकते हैं आप। ये सारे क्लासरूम है पीछे, 1, 2, 3, 4 यहाँ पे मैंने पढ़ाई की है, यहाँ पे मैंने कोर्सेज कंप्लीट किए हैं, यहाँ पे मेरा बहुत आना जाना हुआ करता था। आधी कोर्सेज मैंने यही बिल्डिंग में कंप्लीट किए, साइंस थिएटर में। एक छोटा सा स्टोर है शिंजियो करके, यहाँ पे छोटे छोटे ब्रेड्स वगैरह मिलते हैं, अच्छा लगता था, बहुत स्वीट सा था। जब यूनिवर्सिटी ख़त्म करके आते थे तो यहीं जाके बैठते थे, कभी कभी खाते थे। अभी हम लोग चलेंगे दूसरे पार्ट ऑफ द प्लेस में, वो है इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी बिल्डिंग। वहाँ पे बेसिकली सारे आईटी के कोर्सेज होते थे, वहाँ पे भी मैंने पढ़ाई की, क्योंकि मेरी कोर्स जो है ना हाफ कंप्यूटर साइंस भी थी। तो मैं आपको वो आईसीटी बिल्डिंग दिखाऊंगा आपको, और ये वो भी दिखाऊंगा कि वो किस तरह कनेक्टेड है यहाँ से। आइए फॉलो मी। सो गाइज, हम लोग ना एक नई बिल्डिंग में आए हैं, इसे कहते हैं फैकल्टी ऑफ अर्थ साइंसेस। यहाँ पे जियोलॉजी की क्लासेस होती हैं, पेट्रोलियम इंजीनियरिंग की क्लासेस होती है। यहाँ पे मैंने एक कोर्स की थी, एनर्जी की कोर्स यहाँ पे मैंने कंप्लीट की थी। ये पीछे आप देख सकते हैं अल्बर्टा की मैप है, जो कि प्रोविंस की मैप है, और हमारा जो शहर है ना वो यहाँ है, आप देख सकते हैं यहाँ पे कैलगरी। सो ये मैप दिखाता है कि ये पूरा अल्बर्टा का मैप है और वहाँ पे हमारा शहर है, और किस तरह से मतलब डिस्ट्रीब्यूशन है माउंटेंस वगैरह का, क्योंकि ये जियोलॉजी की बिल्डिंग है, सो इसलिए वो उस टाइप का सामान वहाँ पे है। यूनिवर्सिटी ऑफ कैलगरी ना पेट्रोलियम इंजीनियरिंग के लिए बहुत ही फेमस है, क्योंकि यहाँ पे जो पेट्रोलियम की जो कनाडा में जो पेट्रोलियम हब है ना वो अल्बर्टा में ही है, अप ऑन द नॉर्थ, और यहाँ पे काफ़ी ऑयल निकलते हैं। ये जो है ना, ये छोटी सी लाइब्रेरी आप देख सकते हैं, ये बहुत ही छोटी लाइब्रेरी है, इसे कहते हैं गैलगर लाइब्रेरी। और गैलगर लाइब्रेरी मतलब यहाँ पे लोगों के लिए छोटे छोटे, मतलब हर जगह तो मेन लाइब्रेरी में बंदा जा नहीं सकता है ना, राइट? सो दैट्स वाई यहाँ पे एक छोटी सी लाइब्रेरी बना दिया गया है, ताकि बंदे यूज़ कर सके और पढ़ाई करें। सो गाइज, ये जो बिल्डिंग है ना वो आईसीटी बिल्डिंग कहते हैं इसे। आप देख सकते हैं ये छोटा सा कैंटीन है सबसे बॉटम में, बट आईसीटी की जो बिल्डिंग है ना वहाँ पे वो लंबी बिल्डिंग है, ज़्यादा एक्सपेंडेड नहीं है, बट हाई राइज बिल्डिंग है, 15-20 फ्लोर की। और ये आप देख सकते हैं नीचे पैटियो है सारा, जो कि आज बंद है क्योंकि आज संडे है। और यहाँ पे ना सारे माइक्रोवेव्स लगे रहते हैं, सो फॉर एग्जांपल आप अपना फूड घर से लेके आए और आपको हीट करना है तो आप ये यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पे छोटे छोटे जगह है, यहाँ पे आप बैठ करके खुद के सामान मतलब आराम से बैठ के सुकून से खा सकते हैं। सो गाइस, ये रही आईसीटी की बिल्डिंग जो कि लेफ्ट में दिख रही है आपको, यहाँ से आईसीटी की बिल्डिंग जा सकते हैं हम। और ये जो राइट साइड में है, यहाँ से हम लोग सीधा शूलिट स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग जा सकते हैं, जो कि ये बिल्डिंग है। अभी हम लोग चलेंगे शूलिट स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग की तरफ, जो कि मेरा स्कूल ऑफ फैकल्टी है, क्योंकि मैं शूलिट स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग से ही पढ़ाई की थी। हालांकि मेरे ज़्यादा क्लासेस साइंस थिएटर में लगते थे, बट मैं यहाँ पर भी आता था काफ़ी टाइम। तो गाइस, जिन लोगों को नहीं पता है, मैं एक और बात बताना चाहता हूं आपको, कि ये बिल्डिंग में मेरी कुछ तकरीबन 8 से 10 महीने मेरे एक्स्ट्रा बीते हैं यहां पे, क्योंकि मैं यहां पे टीचिंग असिस्टेंट भी रहा करता था। मैं फ़र्स्ट ईयर के स्टूडेंट को फंडामेंटल ऑफ इंजीनियरिंग पढ़ाता था, या प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस भी पढ़ाया करता था यहाँ पे। तो ये मेरे लिए बहुत ही नॉस्टैल्जिक होता है कि जब भी मैं आता हूँ कि यार यहाँ पे मैं पढ़ाया, सिर्फ पढ़ाई नहीं की है मैंने, यहाँ पे लोगों को पढ़ाया भी है, बच्चों को, फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स को। सो ये सारी क्लासरूम में मैंने पढ़ाई भी है। बिल्डिंग के नीचे एक छोटी छोटी गेम एरिया है, यहाँ पे आप गेम खेल सकते हैं। फॉर एग्जांपल फूसबॉल है यहाँ पे 2, फिर पीछे टेबल टेनिस खेल सकते हैं यहाँ पे। तो थोड़ा एंटरटेनमेंट भी मेंटेन किया गया है कि आप सिर्फ पढ़ाई ना करते रहें, बोर ना हो जाएं आप पढ़ाई से।
सो गाइज आपको दिख रही है ये जो पूरी कॉम्प्लेक्स है, ये शुलिट स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग की पूरी कॉम्प्लेक्स है, सारी की सारी कॉम्प्लेक्स। ये कनेडियन नेचुरल रिसोर्सेज लिमिटेड बिल्डिंग है, उन्होंने डोनेट किया था ये बिल्डिंग और फंडिंग भी वहीं से आई है, लेकिन सारी की सारी इंजीनियरिंग है। सो आप देख सकते हैं कि इंजीनियरिंग का स्कोप कितना बड़ा है यूनिवर्सिटी ऑफ कैलगरी में। यहाँ पे इंजीनियर सबसे ज़्यादा पढ़ाई करते हैं, चाहे कोई भी टाइप के इंजीनियर हो, केमिकल, इलेक्ट्रिकल, सिविल, मैकेनिकल और कंप्यूटर साइंस, सबके अपने अपने डेडिकेटेड फैकल्टीज़ हैं। सो पीछे गाइज आपको दिख रही है ये जो है ना, ये बिल्डिंग, ये टेलर इंस्टीट्यूट ऑफ टीचिंग कहते हैं इसे। यहाँ पे भी टीचिंग की क्लासेस होते हैं, फॉर एग्जांपल इंजीनियरिंग की बहुत ही कम क्लासेस होती हैं यहाँ पे। अगर हमें स्पेस नहीं मिलता था वहाँ, तो यहाँ पे स्पेस अवेलेबल होती थी टेलर इंस्टीट्यूट ऑफ टीचिंग में, तो हम लोग यहाँ पे भी क्लासेस करते थे। आप देख सकते हैं पीछे बोर्ड में लिखा हुआ है टेलर इंस्टीट्यूट ऑफ टीचिंग, और बहुत ही प्यारा बिल्डिंग है अंदर से भी। सो गाइज अभी हम लोग चल रहे हैं मैक महोन हॉल की तरफ, जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ कैलगरी का वन ऑफ द वेरी फेमस हॉल है। वहाँ पे क्या करते हैं, वहाँ पे मतलब बहुत सारे फूड स्टॉल्स है खाने के लिए, वहाँ पे नीचे बुक स्टोर है। हम लोग बुक स्टोर भी ट्राई करेंगे, अगर ओपन होगा तो चलते हैं बुक स्टोर भी चेक करते हैं। ओके, ये आप देख सकते हैं छोटे छोटे स्टोर्स है, फार्मेसी भी है यहाँ पर, यहाँ पे दवाई की भी फैसिलिटीज़ है कि अगर आपको स्टूडेंट जो कि कैंपस में रहते हैं उन्हें ज़रूरत हो तो वो सारी छोटी छोटी चीज़ें भी ख़रीद सकते हैं। और ये लेफ़्ट साइड में बहुत सारे कैंटीन एरिया, चले मैं आपको दिखाता हूँ कैंटीन एरिया। यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट दिख रहे हैं आपको ऑलरेडी, इवन संडे हैं। ऑरेंज जूलियस बेकर शेफ, ये सारी यहाँ पे मैं बैठ के खाया करता था, मुझे आज भी याद है। कैनेडियन पिज़्ज़ा एक्सप्रेस हलाल पिज़्ज़ा है यहाँ पर, सो अगर आपको मौका मिले यहाँ पे पढ़ने का तो यहाँ पे कैनेडियन पिज़्ज़ा एक्सप्रेस ज़रूर ट्राई करें। नूडल एंड ग्रिल्स, पता नहीं वियतनामीज़ है, मैंने कभी खाई नहीं। AW में मैंने अनियन रिंग्स खाया करता था मैं, बट या कॉफ़ी की भी शॉप है। एंड देन ये रही पूरी की पूरी कैंटीन एरिया, वहाँ रही टिम हॉर्टन्स जो कि बंद है अभी फ़िलहाल के लिए। अनफॉर्चुनेटली गाइज बुक स्टोर बंद है, बट कभी और मौका मिलेगा तो मैं ज़रूर आप लोगों को यहाँ पे लेके आऊँगा और बुक स्टोर ज़रूर दिखाऊँगा। बहुत ही अच्छी अच्छी गुडीज़ मिलती है यहाँ पे, और हुडीज़ तो मतलब बहुत ही अच्छी क्वालिटीज़ की मिलती है, मुझे एक लेनी भी है क्योंकि मैंने जो मेरे पास जो हुडी थी वो मेरी बहन ने ले लिया। सो लेट्स गो टू द अनदर वन विच इज़ काइनेसोलॉजी बिल्डिंग। सो हम लोग काइनेसोलॉजी बिल्डिंग में आ गए, वहाँ पे जिम की फैसिलिटीज़ है, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है, वो सारी चीज़ें मैं आपको दिखाऊंगा। नीचे आप देख सकते हैं बास्केटबॉल खेला जा रहा है। सो ये जैक सिंपोजियम करके एक हॉल है, वहाँ पे सिर्फ स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स होती है, इसके नीचे जिम है, ये फ्री हैंड स्टाइल जिम है, ये सिर्फ छोटी सी एक्स्ट्रा जिम बना रखी है, नीचे एक बहुत बड़ी जिम है, मैं आपको वो भी दिखाऊंगा। गाइस ये रही जिम, पूरी की पूरी जिम है, ये सारे के सारे इक्विपमेंट्स है जिम में। मैं पूरा जाके सब जगह आपको नहीं दिखा सकता क्योंकि लोग ऑलरेडी वर्कआउट कर रहे हैं, इट विल बी वेरी ऑकवर्ड, बट आप देख सकते हैं सारी की सारी है, डंबल से लेके ट्रेडमिल से लेके स्टेयर केस रनिंग से लेके सब कुछ है, वन ऑफ द बेस्ट फैसिलिटी इन द कैंपस। गाइस अब हम लोग चलेंगे यूनिवर्सिटी की स्विमिंग पूल देखने के लिए, सो आइए लेके चलता हूँ मैं आपको यूनिवर्सिटी की स्विमिंग पूल। गाइज हर एक यूनिवर्सिटी में ना एक ऐसा जगह होता है जहाँ पे लोग अपना सबसे ज़्यादा वक्त बिताते हैं, सबका अपना अपना होता है। फॉर एग्जांपल किसी का कैंटीन होता है, किसी का क्लासरूम होता है, XYZ, बट मेरा, मैंने जहाँ पे सबसे ज़्यादा वक्त बिताया जो जगह में वो है ये बिल्डिंग में मैंने सबसे ज़्यादा वक्त बिताई है। इसका नाम है टेलर लाइब्रेरी और टेलर डिजिटल लाइब्रेरी। यहाँ पर मैंने कई दिन बिताए हैं अपने प्रोजेक्ट्स करने के लिए, अपने पढ़ाई करने के लिए। सो ये मेरे लिए बहुत ही स्पेशल प्लेस रहेगा, यहाँ मैंने कई रातें तक बिताई है, 24 आवर्स की लाइब्रेरी है।
सो इट्स वन ऑफ द बेस्ट प्लेस। अंदर देख के चलते हैं, अंदर दिखाता हूँ मैं आपको अंदर की फैसिलिटी क्या है। सो गाइस ये ना छोटे छोटे यहाँ पे ऐसे वर्क स्टेशन टाइप के होते हैं, प्रिंटिंग स्टेशन बोलते हैं इसे। यहाँ पे आप अपने स्कूल के लॉगिन करके, ये जो कुछ कुछ है ना ये और वो, आप लॉगिन करके यहाँ पे प्रिंट कर सकते हैं। यहाँ पे प्रिंटिंग का भी है, सो आप वहाँ पे इजीली प्रिंट कर सकते हैं। तो यूनिवर्सिटी में कुछ 5 सेंट्स लगते हैं प्रिंट करने के लिए यहाँ पे, और इट्स वेरी चीप कंपेयर टू द आउटसाइड प्लेस, सो दैट इज़ वन ऑफ द बेनिफिट इन हियर। इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाने वाला हूँ आपको, ये जो आप देख रहे हैं ना, ये ब्लू व्हेल की बैकबोन है। जो ब्लू व्हेल होती है ना पानी में, सबसे बड़ी मैमल है, उसकी बैकबोन है। ये गिफ्ट किया गया यूनिवर्सिटी को, सो इज़न्ट इट अमेजिंग। सो गाइस हम लोग आ गए हैं सबसे आखिरी बिल्डिंग में, जो कि है हंटर स्टूडेंट कॉमन्स। आप देख सकते हैं पीछे, ये यूनिवर्सिटी की सबसे न्यूएस्ट बिल्डिंग है, सबसे नई बिल्डिंग है, जो कि तब बन रही थी जब मैं आखिरी सेमेस्टर में था, तब वो कंप्लीट हुई थी और उसकी इनॉग्रेशन उस वक्त हुई थी। ये इसकी खास बात ये है कि ये ना कैलगरी ना अल्बर्टा, ये शायद कनाडा की सबसे बड़ी कैंसर रिसर्च फैसिलिटी है, जो कि कई मिलियन डॉलर खर्च हुए हैं इसे बनाने में। सो गाइस हमारी व्लॉग हो गई है कंप्लीट अल्हम्दुलिल्लाह, बट आप लोगों को कैंपस दिखाते दिखाते मुझे 2 घंटे हो गए हैं, और ये 2 घंटे का मतलब ये है कि मैंने जो अपनी गाड़ी पार्क की थी ना, वो सिर्फ 1 घंटे के लिए पार्क की थी। पता नहीं क्या होने वाला है, शायद टिकट मिल जाए, बट होपफुली संडे है तो टिकट ना दे, उम्मीद यही करता हूँ। सो देख रहे हैं आप लोगों के लिए मैं क्या क्या कर रहा हूँ, तो अप्रिशिएट करें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हमेशा सपोर्ट करें। आइए चलिए देखते हैं कि है कि नहीं टिकट हमारे कार में। सो कार हमारी यहाँ पे है, और जो टिकट होती है वो हमेशा गाड़ी की फ्रंट विंडशील्ड पे लगती है। चेक करते हैं गाइस टिकट लगी है कि नहीं लगी है। याल्ला याल्ला याल्ला, अल्हम्दुलिल्लाह टिकट नहीं लगी हमें, बेहतरीन। सो गाइस अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, हमें टिकट नहीं लगी। हालांकि हम लोग 1 घंटे लेट आए हैं, बट फिर भी आज 1 घंटे फ्री पार्किंग कर ली। मैं हर बार ये नहीं करता हूँ, मुझे लगा था कि मैं 1 घंटे में आप लोगों को पूरा कैंपस टूर करवा दूंगा, बट इतना बड़ा कैंपस है, मैंने आप लोगों को काफ़ी चीज़ें नहीं दिखाई है, डिटेल में नहीं दिखा पाया, जिसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। बट ज़रूर कोशिश करूँगा, कभी और ज़रूर आऊँ मैं कैंपस में और आप लोगों को और भी अंदर डिटेल्स में कुछ कुछ चीज़ें बताऊँ। फ़िलहाल के लिए इतने में इत्मीनान रहें, आप लोगों से गुजारिश है। और इंजीनियर मूव व्लॉग्स को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ना दबाना भूले। मैं काफ़ी वीडियोस बना रहा हूँ आप लोगों के लिए, आप लोग देख सकते हैं। और दुआओं में याद रखें, अपने प्यार को कमेंट में ज़रूर डालें। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग इंजीनियर मूव व्लॉग्स। अपने माँ बाप की इज्जत करें और उन्हें मोहब्बत करें। बस आज का पैगाम यही है आप लोगों के लिए। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय, सलाम अलैकुम।